हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एडिट्यू वंस अगेन। आई नो आप लोग काफ़ी परेशान हैं अबाउट KGMU BSc नर्सिंग काउंसलिंग को लेके। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे काउंसलिंग से रिलेटेड, दैट काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, चॉइस लॉकिंग का क्या प्रोसीजर रहेगा एंड उसके रजिस्ट्रेशन के क्या स्टेप्स रहेंगे। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून टिल दी एंड। तो ये सारी चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन है मैंने एक पोस्ट के थ्रू प्रोवाइड किया है, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो सबसे पहले आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन पोर्शन में जाना है, वहाँ पर जो लिंक है उस पर क्लिक करना है। देन लिंक पे क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फर्स्ट पोस्ट है KGMU BSc नर्सिंग 4 ईयर काउंसलिंग शेड्यूल 2022, तो इस लिंक पर आप लोगों को क्लिक करना है। उसके बाद ये पोस्ट ओपन हो जाएगी आपकी स्क्रीन के सामने। आप देख सकते हैं KGMU BSc नर्सिंग 4 ईयर काउंसलिंग शेड्यूल 2022 चॉइस लॉकिंग प्रोसेस। तो ये पोस्ट मैंने खुद लिखी है, ये ब्लॉग पोस्ट, तो आप इसको रीड कर सकते हैं। बाकी मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन तो कर ही रही हूँ, तो आप लोग वो देख लीजिए। फिर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन जब आप करेंगे तो यहाँ पर KGMU BSc नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कुछ इन्फो दिया हुआ है, तो आप चाहे तो इसे रीड कर लीजिएगा। बाकी मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करती हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, द BSc नर्सिंग रिजल्ट हैज़ ऑलरेडी बीन रिलीज बाय KGMU एंड 3 सेशंस ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग विल बी हेल्ड। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जो काउंसलिंग है वो 3 सेशन में होगी, यानी कि फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड, यानी कि मॉपअप राउंड, और ये ऑनलाइन भी हो सकती है। वैसे अभी तक जो KGMU यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम होता था और जो उसकी काउंसलिंग का प्रोसीजर था वो ऑफलाइन ही था इसके पहले तक, लेकिन इस साल आपको पता है बहुत सारे चेंजमेंट हुए हैं, जैसे कि KGMU एंड ABVMU दोनों एक साथ अब एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं। एंड दूसरी चीज़, इस बार ABVMU या KGMU अपना अलग अलग काउंसलिंग नहीं करवाने वाले हैं, ये लोग एक दूसरी अथॉरिटी के थ्रू अपना काउंसलिंग करवाने वाले हैं जो कि है DGME। इसके पहले भी मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें भी ये मैंने मेंशन किया था कि इस बार जो आप लोगों की KGMU एंड ABVMU की जो काउंसलिंग होगी वो DGME कराएगी। तो ये क्या है एंड कैसे है मैं आगे अभी हम लोग रीड करेंगे इसके बारे में। तो नीचे और स्क्रॉल जब आप करोगे तो यहाँ पे KGMU BSc नर्सिंग काउंसलिंग ओवरव्यू दी हुई है टेबल, आप देख सकते हो। यूनिवर्सिटी नेम किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, कोर्स है आपका BSc नर्सिंग, कैटेगरी काउंसलिंग रिलेटेड है, एकेडमिक सेशन आपका 2022 से 2023 है, ठीक। तो आपकी जो काउंसलिंग के राउंड होंगे वो 3 होंगे, तो ये सब तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। फिर यहाँ पर आप खुद देख सकते हो दैट काउंसलिंग कमेंसमेंट डेट टू बी अवेलेबल सून। तो जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, वैसे तो 16 के बाद इन्फॉर्मेशन थी कि भाई 16 के बाद काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, बट आज 18 हो गई और अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है KGMU या ABVMU की वेबसाइट के थ्रू कि भाई काउंसलिंग कब तक होने वाली है। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कि अभी अवेलेबल नहीं है डेट। यहाँ पर जैसे भी अवेलेबल हो जाएगी डेट, यहाँ पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो आप चाहें तो टाइम टू टाइम इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको टाइम से मिल जाएगी। बाकी आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन अप टू डेट मिलती रहती है। एंड इसके बाद यहाँ पर काउंसलिंग मोड आप देख सकते हो, दैट इज़ ऑनलाइन। तो अभी मैं पूरी तरह कंफर्म आपको ये भी नहीं बोल सकती हूँ कि आपका जो काउंसलिंग प्रोसीजर होगा वो ऑफलाइन ही होगा या फिर ऑनलाइन ही होगा, बिकॉज ऑफलाइन भी हो सकता है, क्या पता KGMU या ABVMU ऑफलाइन करवा लें अपना काउंसलिंग प्रोसीजर। तो ये एग्जैक्टली तो आपको ऑफिशियल अपडेट से ही पता चलेगा, तो वेट फॉर द ऑफिशियल अनाउंसमेंट। एंड नीचे आप फिर देख सकते हो ये वेबसाइट दी है DGME की, ये है इसकी वेबसाइट। तो इसके पहले का जो अभी तक का रिकॉर्ड रहा है, DGME ने जब भी काउंसलिंग करवाई है किसी और भी एग्ज़ाम की तो उन्होंने अपने ऑनलाइन मेथड से ही करवाया है। तो जहाँ तक मेरा आइडिया है दैट अगर KGMU या ABVMU अपनी काउंसलिंग DGME के थ्रू करवा रहे हैं या DGME करवा रहा है इनकी काउंसलिंग, तो हो सकता है आपकी जो काउंसलिंग है वो ऑनलाइन ही हो। तो आप लोग ऑनलाइन मेथड के लिए भी एकदम प्रिपेयर रहेगा, उसकी जो भी प्रोसीजर होंगी वो आपको ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पता चल जाएगी। बाकी मैं आप लोगों को आगे एक्सप्लेन कर दूंगी वीडियो के थ्रू या फिर टेलीग्राम चैनल के थ्रू। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को भी और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। फिर इसके बाद अगर आप और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं KGMU UPBSC नर्सिंग 4 ईयर काउंसलिंग शेड्यूल। तो अभी यहाँ पर कोई डेट्स आई ही नहीं है इसीलिए ये पूरा ब्लैंक रखा हुआ है, जैसे भी जो भी डेट्स आएंगे यहाँ पर सब फिलअप हो जाएगा। तो आप इस वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा तो आपको सारी डेट्स टाइम टू टाइम पता चलती रहेंगी कि कब काउंसलिंग होनी है, कब फर्स्ट राउंड काउंसलिंग है, कब सेकंड राउंड काउंसलिंग है, ये सारी अपडेट आपको इस टेबल से मिल जाएगी। फिर यहाँ पर आप और स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं KGMU BSc नर्सिंग काउंसलिंग प्रोसेस 2022। तो ये जो प्रोसेस होता है काउंसलिंग का वो क्या होता है, कैसा होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं।
तो यहाँ पर सबसे पहला जो प्रोसेस है वो होता है रजिस्ट्रेशन का, जब काउंसलिंग अगर होगी तो जैसे भी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाती है आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। स्टूडेंट हु पास द रिटन एग्ज़ाम आर इन्वाइटेड टू द काउंसलिंग सेशन। जिस किसी ने भी एग्ज़ाम पास किया होगा अच्छे मार्क्स से, तो उनको काउंसलिंग सेशन के लिए इन्वाइट किया जाएगा। एंड मस्ट पे अ नॉन रिफंडेबल काउंसलिंग फी ₹500 यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग इन ऑर्डर टू अटेंड। और सबसे पहले फिर आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एक नॉन रिफंडेबल फीस सबमिट करनी होगी ₹500। ऑल दो कहीं कहीं जो KGMU की वेबसाइट वगैरह पे 300 भी मेंशन है, तो आप मान के चलो आपका मिनिमम 300 और मैक्सिमम 500 के बीच में ही आपका ये फर्स्ट फीस सबमिट होगी। तो उस हिसाब से आप अपना बजट समझ के चलिए। तो और ये जो फीस होगी वो नॉन रिफंडेबल होगी, यानी ये आपको वापस नहीं मिलेगी। फिर एक बार आपने रजिस्ट्रेशन में ये फीस सबमिट कर दी तो ये चली गई। देन इसके बाद आएगा आपका चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग का प्रोसेस। आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा है चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग प्रोसेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉलोइंग द पेमेंट ऑफ द रजिस्ट्रेशन फी, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन फी वगैरह ये सब पेमेंट का जो प्रोसेस है वो कर लेंगे, उसके बाद द एप्लीकेंट विल बी ग्रांटेड एक्सेस टू अ फैसिलिटी वेयर दे कैन फिल एंड लॉक देयर इन्फॉर्मेशन आफ्टर लॉगिंग इन। तो जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आप उस रजिस्ट्रेशन जो भी जिस वेबसाइट में होगा, जहाँ भी होगा, DGMU में हो या फिर KGMU या ABVMU में, वो आगे पता चल जाएगा। तो फिर वहाँ पर आप लॉग इन करेंगे एंड लॉग इन करने के बाद वहाँ पर आप अपनी चॉइस का जो भी आपको कॉलेजेस चाहिए, जो आपने प्रेफरेंस में कॉलेज रखना चाहते हैं, वो वहाँ पर आप फिल करेंगे। अब कितने कॉलेजेस फिल कर सकते हैं वो सारी चीज़ तो आपको ऑफिशियल अपडेट में पता चलेगी, वो मैं आपको नहीं अभी बता सकती। बाकी कैंडिडेट स्टूडेंट्स मस्ट सेलेक्ट देयर टॉपिक ऑप्शन फॉर सीट एलोकेशन एंड फिल एंड लॉक द कॉलेज इन अकॉर्डिंग्स विद द CET स्कोर दे रिसीव। तो जो भी आपके स्कोर होंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा सुटेबल कॉलेज आपको मिल सकता है, उसी कॉलेज को फिर आपको वहाँ पर फिल करना है, लॉक करना है। देन उसके बाद जो आगे की प्रोसेस होगी वो यूनिवर्सिटी लेगी, ठीक है। दे वॉन्ट बी एबल टू चेंज देयर ऑप्शन वंस इट हैज़ बीन फिल्ड आउट एंड लॉक इन एनी वे। और हाँ, एक चीज़ और, एक बार आपने अगर अपनी चॉइस फिल कर दी और लॉक कर दिया, उसके बाद आप अपनी चॉइस को बदल नहीं सकते। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है दे वॉन्ट बी एबल टू चेंज देयर ऑप्शन वंस इट हैज़ बीन फिल्ड। एक बार अगर भर दिया तो आप चेंज नहीं कर सकते। फिर इसके बाद जो दूसरी चीज़ है प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। फिर सीट अलॉटमेंट लेटर का क्या सीन है वो भी रीड कर लेते हैं। द कैंडिडेट्स मस्ट प्रिंट आउट द प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। जो भी आपका प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर होगा उसका आपको प्रिंट आउट निकलवाना होगा। आफ्टर सबमिटिंग देयर फाइनल सिलेक्शन सिंस इट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉलेज दैट हैज़ बीन असाइन टू देम एज वेल एज अदर इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपका सारी इन्फॉर्मेशन दी होगी कि आपको कौन कौन सा कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वगैरह, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसमें आपकी लिखी होगी अलॉटमेंट लेटर में, ठीक है। देन इसके बाद आप नीचे देख सकते हो सीट अलॉटमेंट फीस। तो यहाँ पे सीट अलॉटमेंट फीस क्या होगी, आफ्टर रिसीविंग अ सीट द कैंडिडेट मस्ट डिपॉजिट अ सेपरेट सम ऑफ ₹5,000 इन द किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी फेवर। ओके, तो एक बार जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी तो आपको यहाँ पर फिर ये ₹5,000 सबमिट करना होगा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में, ठीक है। जैसे भी आपको सीट अलॉट हो जाती है, मान लीजिए आपको कोई कॉलेज मिल जाता है वहाँ पे आपको ये सीट मिल जाती है BSc नर्सिंग पोस्ट की, तो आपको ₹5,000 सबमिट करने होंगे। और जहाँ तक मुझे पता है, इसमें मैंने पहले भी आपको जो पोस्ट शेयर की थी, ये जो ₹5,000 होते हैं ये रिफंडेबल होते हैं, यानी कि ये बाद में आपको वापस मिल जाएंगे। तो ओवरऑल आपका जो काउंसलिंग का खर्चा आएगा वो 5,300 से 5,500 के बीच आएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा, या मैक्स टू मैक्स आप समझ के चलो 5,000 से 6,000 में हो जाएगा, ठीक है। एंड फिर नेक्स्ट है रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड कॉलेज फॉर वेरिफिकेशन। उसके बाद जब आप फीस वगैरह सबमिट कर देंगे, फिर आपको अपने जो भी अलॉटेड कॉलेज होगा वहाँ पे रिपोर्टिंग करना है, वहाँ पे जाना है। द काउंसलिंग सेशन विल बी डन ऑनलाइन। यहाँ पर भी देखो आपको यही बोला जा रहा है कि काउंसलिंग सेशन जो होगा वो ऑनलाइन ही होगा, बट एग्जैक्ट मैं अभी भी बोल रही हूँ कि ये कन्फर्म नहीं है कि ऑनलाइन ही होगा, लेकिन ज़्यादातर चांसेस हैं ऑनलाइन होने के। एंड कैंडिडेट्स मस्ट अपलोड द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आफ्टर लॉगिंग इन। फिर वहाँ पर आपको जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आपको बताया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू KGMU या ABVMU की, तो वो वहाँ पर आप लोगों को अपना अपलोड करना होगा। इट विल बी डिफ़िकल्ट टू गेट अलॉटेड इन टू द स्पेसिफाइड कॉलेज इफ़ एनी कैंडिडेट फेल टू अपलोड द प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। हाँ, दूसरी चीज़ ये बोल रहा है कि अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट, अगर आप फेल हो जाते हो अपने कोई भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट को वहाँ पर अपलोड करने में, फिर कोई डॉक्यूमेंट अगर आपका मिसिंग है तो आपको सीट अलॉटमेंट में प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपको फाइनली फिर वो सीट नहीं मिल पाएगी, वो किसी और को दे दी जाएगी जो एकदम अप टू डेट होगा हर चीज़ में,
ठीक। फिर नेक्स्ट चीज़ है सबमिशन ऑफ एडमिशन फीस। देन ये सब चीज़ें करने के बाद जब फाइनल हो जाएगी आपकी सीट, फाइनल हो जाएगा आपका कॉलेज, आपका काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, तो आपका सबमिशन होगा एडमिशन फीस जो भी जिस कॉलेज की होगी। प्राइवेट अगर होता है तो प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस वहाँ पे आपको सबमिट करना होगा। गवर्नमेंट मिलता है तो गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस होगी आपको वो देनी होगी। द कॉलेज विल पब्लिश द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु वर सिलेक्टेड टू देयर पर्टिकुलर कॉलेज आफ्टर कंडक्टिंग द लास्ट राउंड ऑफ डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन। तो जैसे ही लास्ट राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका ख़त्म होगा तो जो भी लिस्ट होगी, फाइनल लिस्ट, जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए होंगे, जो जो कॉलेज मिला होगा, तो उसकी जो फाइनल लिस्ट है वो अपने ऑफिशियल वेबसाइट में वो लोग अपलोड कर देंगे। द कैंडिडेट वुड रिसीव द अमाउंट ऑफ 5,000 बैक इफ़ दे इनरोल इन वन ऑफ द नर्सिंग प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय द यूनिवर्सिटी। हाँ, ये मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो 5,000 की फीस थी वो रिफंडेबल होगी। जैसे ही आपको कोई कोर्स आपका अलॉट हो जाता है, फाइनली आपको कॉलेज मिल जाता है, सीट मिल जाती है, तो आपकी जो 5,000 रुपीज़ जो बाद में लगे थे ये रिफंड हो जाएंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है इफ़ एनी एप्लीकेंट चूजेज अ सीट बट चूजेज नॉट टू इनरोल, मतलब आपने काउंसलिंग कराया और आपको सीट मिली, आपने सीट चूज़ की, बाद में आपको वो कॉलेज नहीं लेना है या वो सीट नहीं लेनी है, वो कॉलेज नहीं पसंद आ रहा है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है द यूनिवर्सिटी विल फॉरफिट दैट फी। फॉरफिट मतलब जब्त कर लेगी, यानी वो फीस शायद आपकी रिटर्न नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ ये मैं लास्ट ईयर के डेटा के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, बट इस बार चेंजमेंट भी हो सकता है, क्या पता आपकी फ़ीस वापस कर दी जाए। लेकिन पिछले साल तक जो शायद ऐसी चीज़ रही होंगी क्योंकि वहाँ पर आपकी फ़ीस वापस नहीं की गई होगी जिन लोगों ने बाद में कॉलेज लेने से मना कर दिया होगा, तो वही चीज़ यहाँ पर भी हो सकती है इस बार। तो आप लोग ध्यान से कॉलेज चूज़ कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जो भी कॉलेज चूज़ करते हैं उसे फाइनली आप ले लें, अगर वो मिल रहा है बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो ताकि। ठीक है। फिर नेक्स्ट आप देख सकते हैं स्टेप टू रजिस्टर फॉर UPBSC नर्सिंग 4-ईयर काउंसलिंग। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको ऊपर पहले बता चुकी हूँ, उन्हीं का फिर से यहाँ पे पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन है, तो आप चाहो तो रीड कर लेना पोस्ट को, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। सो इस वीडियो में यहाँ पर आपको काउंसलिंग कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है, काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग कैसे करनी है एंड कब तक आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया इस वीडियो में। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।